पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। सुनील जाखड़ ने सोनिया गांधी से एक अपील भी की कि सुनील जाखड़ ने कहा कि राजनीति सारे देश में कर लीजिएगा, पंजाब को बख्श दीजिएगा। अंबिका सोनी से पूछिए सक्षम क्या है। पंजाब का बेड़ा गर्क दिल्ली में बैठे उन नेताओं ने किया है जिनको पंजाब के बारे में पता नहीं है। सुनील जाखड़ ने सीनियर नेताओं को सुनाई खरी खोटी। बता दें कि सुनील जाखड़ ने फेसबुक लाइव करके कांग्रेस के सीनियर नेताओं को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि आप दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर सकते, तो कम से कम एसेट और लायबिलिटी की पहचान करना तो सीखें। सुनील जाखड़ ने कहा कि मैंने सोनिया गांधी का भाषण सुना, बड़ा भावुक भाषण था। उन्होंने कहा कि असाधारण स्थिति को असाधारण समाधान की जरूरत होती है। कांग्रेस का चिंतन शिविर औपचारिकता पूरी करने से ज्यादा कुछ नहीं है। जब पार्टी का अस्तित्व खतरे में है उसको बचाने का समय है। तब हम ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कांग्रेस के कंधों पर देश का दायित्व तो है। कांग्रेस की नीति पर सुनील जाखड़ का सवाल। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर में 6 कमेटियां बनाई गई हैं। कोई विदेश नीति पर चर्चा कर रही है तो कोई आर्थिक हालात पर चर्चा कर रही है। कांग्रेस आज एक मुख्य विपक्षी पार्टी है और हमारा फर्ज है कि इन विषयों पर हमारी एक राय हो। सुनील जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की नीयत ही नहीं है कि पार्टी को बचाया जाए। उदयपुर में हो रहे चिंतन शिविर का नाम चिंता शिविर होना चाहिए। अगर सच में उनको चिंता होती तो 6 कमेटियों में से एक कमेटी ऐसी भी बनती जो चर्चा करती कि यूपी में कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। कुल 403 सीटों में 390 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी को 3000 वोट भी नहीं मिले। पंचायत का मेंबर भी 2 से 4000 वोट पा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।